हेलो गाइस, माय नेम इज सोहेल तथा यू आर वाचिंग माय चैनल द रेफ्रिजरेशन इन यूट्यूब। सो गाइस, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं आकर के पास वोल्टास का स्प्लिट एसी है और उसमें F8 करके एरर शो हो रहा है। तो F8 एरर किस चीज का है, इसकी मीनिंग क्या है और कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं, वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल द रेफ्रिजरेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आइए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन होगी आप तक जल्द से जल्द पहुंचेगी। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन में कुछ दिक्कत है आपको, या मुझसे कुछ सजेशन चाहिए, या मुझसे कुछ डिस्कस करना है आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, रजा रेफ्रिजरेशन 777 के नाम से मेरी आईडी है। गाइस जाइए, उसे मुझे फॉलो करके मैसेज करिए, मैं आपका रिप्लाई देने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगा। सो गाइस, हम बात कर रहे थे वोल्टास स्पीड एसी ओल्ड मॉडल में अगर F8 करके एरर आ रहा है तो एरर किस चीज का है, आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, आप एसी में देख सकते हैं F8 एरर आ रहा है, तो F8 एरर किस चीज का, आगे आपको बताता हूं मैं। चलिए कवर खोल के आपको दिखाता हूं आगे का प्रोसेस। कवर खुलने के बाद गाइस आप देख सकते हैं पीछे का होल जो था वो खुला हुआ था और पावर सर्किट बोर्ड में आप देख सकते हैं बहुत सारे पौधे और पत्ते वगैरह इसमें जमा है। तो ये पत्ते जो है गाइस चूहे ने इसमें लाया हुआ है। अब आगे मैं बताता हूँ आपको कि ये दिक्कत क्यों आ रही है। पास से भी आप देख सकते हैं इसमें कुछ वायर कटा हुआ तो नहीं दिख रहा है। अब मैं आगे आपको सफाई करके आपको दिखाता हूँ कि ये एरर किस चीज़ का है और ये क्यों आ रहा है। आप देख सकते हैं ये कॉइल सेंसर आपको मैं दिखा रहा हूँ। कॉइल सेंसर दिखने में तो एकदम ठीक लग रहा है और एक्चुअली में जो प्रॉब्लम है गाइस ये कॉइल सेंसर में ही है। ये आप देख सकते हैं, आपको शायद दिख रहा होगा, ये आपको मैं बारीकी से दिखाता हूँ। ये कॉइल सेंसर जो है वो चूहे ने काटा हुआ है। तो जो F8 एरर है गाइस वो कॉइल सेंसर का प्रॉब्लम है। अब मैं आपको आगे इसको जोड़ के दिखाता हूँ कैसे इसको ज्वाइंट कर सकते हैं। ये मैंने सेंसर को काटा हुआ है कटिंग पैड से, काट के अब मैं आपको इसमें टेपिंग से ज्वाइंट करके आपको दिखाता हूँ इसको लगा के। अगर आपके पास सोल्डरिंग आयरन है आपके प्रेजेंट में तो आप उसको सोल्डरिंग कर सकते हैं या करा सकते हैं। अगर सोल्डरिंग आयरन नहीं है तो आप इसको ज्वाइंट कर सकते हैं और इसमें इंसुलेशन टेप लगा सकते हैं। तो मेरे पास तो अभी सोल्डरिंग आयरन नहीं था तो मैं इसको छील के टेपिंग करके अब मैं इसको PCB में लगा के आपको आगे का चला के प्रोसेस दिखाता हूँ। तो अब मैं आपको इसको चालू करके दिखाता हूँ मैं, और ये चालू हो गया है और इसमें F8 एरर तो नहीं आ रहा है। तो अब मैं इसका कवर लगा के आपको चला के दिखाता हूँ। कवर लगाने के बाद गाइस ये पूरी तरीके से हट गया है और आपसे रिक्वेस्ट है कि पीछे का जो होल है उसको पैक कर लीजिए। उम्मीद है गाइस आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक ज़रूर कर दें।